स्टेशंस उबर के आईसीसी वर्ल्ड कप के एंथम को गाया है आप लोगों ने, कुछ बताना चाहेंगे इस एंथम के बारे में? इस एंथम के बारे में पहले तो हमें माइकी ने अप्रोच किया था, क्योंकि हम काफी पुराने दोस्त हैं, तो माइकी ने अप्रोच किया, बोला कि ऊबर की तरफ से एक गाना है जो उन्होंने क्रिएट किया है, ऊबर स्पॉन्सर कर रहा है, तो हमें लगा, और प्लस बोला वर्ल्ड कप के लिए, तो हमें लगा ये तो बहुत अच्छा है, हम सबको क्रिकेट बहुत पसंद है, तो हमें लगा अच्छा कनेक्ट है ऊबर क्रिकेट एंड ऑल्सो माइकी, सो यू नो वी लाइक एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग, सो इन दिस या सो अच्छा कॉम्बिनेशन हुआ है। ओके, एक्सपीरियंस कैसा रहा साथ में काम करने का ऊबर के साथ में और एंथम में? अमेजिंग गाने का एक्सपीरियंस तो बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि ये नॉर्मली जैसे इसमें गाया वैसे मैं गाता नहीं हूँ, तो इसमें थोड़ा चैलेंज था, थोड़ा और मेरे को पुश करना पड़ा, और पुश थोड़ा टाइम लगा मुझे यूज होने में, लेकिन जब हुआ तो फिर मज़ा आया। ऑल्सो हाँ सर, यू सिंग, ये गाने इंग्लिश में है और गाने का नाम है वे ओ वे ओ, और इस एंथम को अलग अलग देशों में जो आर्टिस्ट हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ सिंगर जो इंग्लैंड से हैं, एक क्वायर है जो साउथ अफ्रीका से है, न्यूजीलैंड से एक और आर्टिस्ट है, और मुझे लग रहा है जमैका से भी एक आर्टिस्ट है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कोलैबोरेशन और गाना है, और वीडियो शूट में भी काफ़ी मज़ा आया हम लोगों को। या तो ऊबर का कॉन्सेप्ट इज़ बेसिकली दैट एवरी फैन विंस, सो इन दिस वर्ल्ड कप the idea is that through like there are different things that you can do through the Uber app and everything, and you know every fan will win at different points in time, and the fact that cricket connects people and music connects people and Uber connects people, that's what brings this whole thing together. So hame bahut acha laga that you win when you take Uber rides, or if you even use Uber Eats, or even I think the drivers, whoever is driving. So it's cool because it's not only in this country, it's I think they're doing it pan across, like wherever the World Cup is being broadcasted, or uske through they're like signed kits, they're I think even World Cup tickets, so some people can get a lucky chance to go and attend the World Cup in England. नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये सारा माइकी ने खुद से किया है, और बस हमने ग्रुप वोकल्स रिकॉर्ड किए और मैंने मेन लीड वोकल रिकॉर्ड किए। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, हम पूरे प्रोसेस में बहुत मज़ा आया, फ्रॉम रिकॉर्डिंग टू शूटिंग, लीड वोकल्स, ग्रुप वोकल्स टू द शूट डे वाज फन, एंड नाउ दिस इज आल्सो फन। ओके, जैसे कि कहा यू नो कि इट वाज फन व्हाइल शूटिंग, यस, कुछ मेमोरी शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? वेल आई वुड शायद शूट रिलेटेड मेमोरी अच्छी थी, क्योंकि जो डीओपी और जो डायरेक्टर थे बहुत बहुत फ्रेंडली थे, और वो बहुत मैटर करता है, तो वो आपको एनर्जी वीडियो में दिखने वाली है, तो हमने डांस भी किया थोड़ा वीडियो में, तो मज़ा आएगा। हाँ, मैं मतलब वी आर नॉट डांसर्स, लेकिन हमने ट्राई किया, आई होप अच्छा आया हो। नहीं, वो बहुत सिंपल स्टेप है जो सब लोग कर सकते हैं, तो आई थिंक द होल पॉइंट ऑफ दिस होल थिंग इज दैट पीपल कैन, एवरीबॉडी शुड बी एबल टू सिंग द सॉन्ग एंड एवरीबॉडी शुड बी एबल टू डांस टू द ट्यून। हम करवाएंगे जरूर आपसे वो स्टेप। नहीं, याद है, थैंक यू, को याद है, एक्चुअली याद है, याद है, याद है, याद है, हां ऐसे कुछ। बहुत काफी एक्साइटमेंट है एक्चुअली, और हम काफी टीम्स को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे सिर्फ इंडिया, उन मैचों को न्यूजीलैंड का भी टीम काफी अच्छा है, सो न्यूजीलैंड, इंडिया, वेस्ट इंडीज, सारे टीम्स अच्छे हैं, सो आई थिंक बिकॉज़ ऑफ आईपीएल काफी सारे क्रिकेटर्स से कनेक्ट हो जाते हैं, काफी प्लेयर्स से प्यार हो गया आईपीएल देखने के बाद, तो अलग-अलग कंट्रीज के, सो व्हिच इज गुड, दैट्स द होल पॉइंट ऑफ दिस एंथम, सब टुगेदर है, तो यू लाइक एक को सपोर्ट करना इनफ नहीं है, सबको सपोर्ट करो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये गेम है जिसमें यू नो एवरीबॉडी कैन, एनीबॉडी कैन विन, आई थिंक उबर का भी वही प्लान था कि सब लोग दुनिया में लाइक द होल वर्ल्ड कैन कनेक्ट टू वन सॉन्ग, can connect to one anthem, and Uber connects the world, cricket connects the world, music connects the world. गाने के बोल भी वैसे, we are on our way, we are on our way, जैसे we are all looking forward to watching the World Cup, and people from all parts of the world are going to look forward to this. Okay, so also you know आज
सनम, आपकी टीम जो है वो लोगों के अंदर बहुत क्रेज है आपकी टीम के लिए, तो आप लोगों से जानना चाहूंगी आपकी टीम का एक टर्निंग पॉइंट बैंड का, टर्निंग पॉइंट, आई थिंक टर्निंग पॉइंट तब था जब हमारे बैंड का नाम चेंज हुआ क्योंकि पहले हमारे बैंड का नाम था SQS प्रोजेक्ट, ऑब्वियसली आपको याद नहीं रहेगा इस इंटरव्यू के बाद, ये रीज़न था कि हमने नाम चेंज करा. सो वी जस्ट वॉन्टेड टू कीप समथिंग सिंपल. नाम चेंज करते ही इमीडिएटली रीच भी बढ़ने लग गया क्योंकि लोगों को समझ आया सनम सिंपल ईजी नेम टू रिमेंबर और म्यूजिकल नाम है, काफ़ी लैंग्वेजेस में भी है. एक और टर्निंग पॉइंट था जब हमने हमारा मैनेजर से मिला था, बेन थॉमस एंड हिज कंपनी इज कॉल्ड KNC टैलेंट. सो हम लोग तो म्यूजिशियंस हैं तो वी फोकस ऑन मेकिंग द म्यूजिक. सो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड टू हैव अ गुड मैनेजर एंड गुड रिप्रेजेंटेशन, एंड वी वर लकी टू हैव फाउंड आवर मैनेजर. कंपनी KNC टैलेंट, दे रियली मेक श्योर दैट वी आर you know, being represented well everywhere. Yeah, they and, really take care of us. Yeah. And yeah, especially with, you know, meeting people like y'all and PR and things is very important for any artist, and they make sure. उन्होंने बोला PR किया है तो डरना क्या? ओके, तो सनम, यू नो आपको बहुत कम देखा जाता है प्लेबैक सिंगिंग में. यस. क्या वजह है इसके पीछे? उसके पीछे ये कि जब प्लेबैक करते हैं तो एनीवे माइक वो स्टूडियो के अंदर होता है, देखने का पॉसिबल ही नहीं है. तो पहला रीज़न तो ये है. रीज़न ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल बैंड के साथ सबसे ज़्यादा मज़ा आता है. एक इंडिपेंडेंस लगती है, बहुत फ्रीडम लगता है, जब कभी भी जब मन करे गा सकता हूँ. ये नहीं कि ओ दो तीन दिन है हमारे पास टाइम नहीं है जल्दी स्टूडियो आ जाओ नहीं तो फिर मिस हो जाएगा, नहीं तो कोई और सिंगर को गाना मिल जाएगा. उस वो डरा के रखते हैं बेसिकली. तो डरा के रखते नहीं, इंटेंशन वो नहीं है, लेकिन सब डर जाते हैं. लेकिन इसलिए तो वो मैं भागना नहीं चाहता लाइफ में, एक एक मोमेंट एंजॉय करना चाहता हूँ. और कभी गला ख़राब है स्टूडियो में बुला लिया और ठीक से गा नहीं जा रहा, फिर बोलेंगे बकवास सिंगर है, फिर कभी नहीं बुलाएंगे. ये सब चीज़ें होती रहती है तो इंडस्ट्री में, तो मैं बोलो पार्टी नहीं बनना इस इंडस्ट्री का. तो ओके, इसके अलावा यू नो जब आप लोग कोई सॉन्ग प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो व्हाट इज दैट थ्री थिंग्स व्हिच यू ऑल कीप इन माइंड? आई थिंक एक तो मेलोडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो मोस्ट ऑफ द मेलोडी सनम कम्स अप विद एंड so that's a very catchy aspect. I think lyrics are also very important, and we keep things simple. Jo sabko acha lage hame, sabse pehle hame acha lage aur fir sabko acha lage. Hum sab mein jo common musical style hai wo pop music hai, to I think it's important to keep the arrangements easy to listen to, jaise ye log bol rahe the. Yeah. ओके, सो जैसे कि हम फैंस की बात कर रहे थे तो यू नो एक और चीज़ जो मैं जानना चाहूँगी वो ये है, जो बेस्ट कॉम्प्लीमेंट अभी तक के आप लोगों को मिला हो आपके फैंस की तरफ से, कि हमारे म्यूज़िक ने उनको उनकी फैमिली से कनेक्ट किया है. क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जनरेशन में गाने जो हमने रेंडिशंस करें, लग जा गले, गुलाबी आँखें, तो जब भी वो गाने सुन रहे हैं तो उनके ग्रैंड पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स बोल रहे हैं आप ये गाना क्यों सुन रहे हो, तो बोल रहे क्योंकि बैंड ने एक बनाया है तो उनको अच्छा लग रहा है. तो उस तरह से उन्होंने बोला ये तो हमारे टाइम के गाने हैं. तो उस तरह से बहुत फैमिलीज कनेक्ट हुई हैं, जो मैसेजेस अभी तक आते हैं शोज में. फैमिलीज हमारे शो के लिए आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि यू नो लाइक बच्चे से लेके और इवन जो ओल्ड लोग हैं वो सब आते हैं हमारे कॉन्सर्ट्स के लिए. तो एक हाँ, वो जो कनेक्शन जो बनता है ऑडियंस के साथ अपने लाइव शोज में, वो मतलब इट्स something that is priceless. We can't like put a price to that. Free. Priceless. It's for free. Okay, so group ka koi ek important person jisne group ko bandhe rakha hai, wo to main hi hu. I would say all of us. I would also say Ben, our manager. He has really taken care of the four of us and made sure that everything is going well. So yes, he is one strong connect between all four of us for sure. Yeah. Okay, so you know also aap logo ka jo YouTube channel hai wo fastest growing YouTube channel raha hai, so does that make you proud? We are very neutral about it. We are happy when we feel fortunate ki hame ye platform mila hai YouTube jisme hum apna sound nikal pa rahe hain. तो वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल ऑनेस्टली, एंड कितने लोगों ने हमें बहुत सारा प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया है. सो रियली थैंक यू फॉर दैट. ओके, सो यू डिड यू ऑल नेवर वांटेड टू वर्क इन द इंडस्ट्री और डिड यू ऑल वांटेड एंड यू? तो सी शुरू में बोलते थे इंडस्ट्री में, जब हम बॉम्बे आए थे तो बोला गया था कि इंडस्ट्री में जाओ क्योंकि सब बोलते हैं बॉम्बे मतलब बॉलीवुड. बट द थिंग इज़ मेरे को पर्सनली कभी बचपन से मन नहीं था बॉलीवुड में आने का, तो मेरे को फोर्स किया गया था पहले मम्मी पापा एंड सब. काफ़ी लोगों ने बोला कि यहाँ पे अगर ये नहीं करोगे तो कुछ नहीं होएगा, हर चीज़ को सक्सेस के साथ डाल देते हैं, वैसा चीज़ है ना. तो लेकिन मेरे को था कि मेरे को खुश रहना है,
तो बॉलीवुड में मेरे को खुशी नहीं मिल रही थी, इसलिए वो कंटिन्यू नहीं कर रहा. और हम चारों का एक ही, लाइक फ्रॉम द टाइम वी वर किड्स, वी ऑल एंजॉयड यू नो बैंड्स एंड वी ऑल हैड डिफरेंट बैंड्स एज वी वर ग्रोइंग अप. सो वो एक चीज़ था जो हम चारों में वो कॉमन था, दैट वी ऑल लाइक बैंड्स. और ये अच्छी बात है कि लॉट ऑफ इंडिपेंडेंट म्यूजिक दोबारा से पॉपुलर होता जा रहा है. स्पेशली अगर देखा जाए तो पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में तो काफ़ी गाने जो हिट है वो बॉलीवुड इंडस्ट्री से भी मतलब मशहूर है काफ़ी गाने. तो दैट इज़ अ वेरी प्रॉमिसिंग साइन दैट शोज दैट टू पुट आउट अ सॉन्ग इट डजंट हैव टू बी रिलेटेड टू अ फिल्म. और सिर्फ गाने की वजन के ऊपर है, लाइक हाउ स्ट्रॉन्ग द मेलोडी इज़ या जो बोल है गाने के या अरेंजमेंट या जो भी है, जो भी कहा जा रहा है गाने में. सो दैट इज़ द वो म्यूजिक का जो महत्व है वो बहुत देखा जा रहा है आजकल. सो दैट्स गुड. नेक्स्ट काफ़ी 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 इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है. कॉफ़ी कॉफ़ी बोल रहे हैं. कॉफ़ी कॉफ़ी और एक गाना है जो काफ़ी सालों से हमें रिलीज मतलब बात कर रहे हैं उसके बारे में, लेकिन फाइनली शायद ये साल हो सकता है. नहीं, आई थिंक कन्फर्म्ड है 100%. वी ऑलरेडी शॉट इट. यस, गाने का नाम है मुखड़ा. मुखड़ा वी ऑलरेडी रिवील्ड इट. सो बट अब हम ये नहीं बता सकते कब आएगा, क्योंकि हमें भी नहीं पता, तो इसलिए नहीं बता सकते. बट इस साल आएगा इतना पता है. फनी थिंग इज, पाँच साल पहले हमने आई थिंक एक इंटरव्यू में रिवील किया कि ये गाना रिलीज होने वाला है, और रिलीज नहीं हुआ 5 साल पहले. सो अभी भी हमने एक्चुअली इंटरव्यू में हम बोल रहे हैं, मगर अभी देखते हैं क्या होता है. लेकिन हमारा ऑडियो और वीडियो ऑलमोस्ट लॉक्ड है, तो हाँ हो जाएगा. अब अनलेस कि मैं फुटेज छुपा दूं कहीं पे. बैकअप है, बैकअप पड़ा है, वो भी मेरे पास ही है. सो लास्टली अपने इस एंथम के लिए कुछ कहना चाहेंगे? एंथम के लिए आई होप, आई थिंक वी ऑल होप दैट इट कनेक्ट्स द होल वर्ल्ड. यस, एंड इट रीचेस आउट एवरीवेयर एंड इट्स वेरी कैची. वेरी वेरी कैची. और वो जो गेम का जो फील होता है वो इस गाने के साथ, आई होप पीपल यू नो फील गुड वॉचिंग द मैच एंड यू नो दे स्टे लाइक यू नो glued to their screens and things like that. तो कभी आपका गाने का नाम है वेरोना वे, तो कभी मैच शुरू होने वाला है, आपके पेरेंट्स बुलाते हैं बेटा मैच शुरू होने वाला है, गा सकते हो वेरोना वे. ये सब बहुत बहुत रीजन, यू कैन यूज दिस लाइन एनीवे. सो हां, सो